वैसाखी का त्योहार हर साल 13 और कभी कभी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ दो घटनाएं खास तौर से जुड़ी हुई हैं।
खून पसीना बहाने और दिन रात की मेहनत के बाद जब किसानों की फसल पक कर तैयार हो जाती है तो उसका मन हिलोरे लेने लगता है। पंजाब का किसान इस खुशी का इजहार करने और फसल की कटाई शुरू करने से पहले बैसाखी के दिन पहले धर्म स्थलों में जाकर ईश्वर के आगे माथा टेकता है और इस दिन जगह जगह मेले लगाए जाते हैं। ढोल की जो थाप है उस पर लोग भांगड़ा करते हैं और महिलाएं गिद्दा। मेलों में खूब मौज मस्ती करने के बाद किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं। फिर शुरू की जाती है फसलों की। बैसाखी का त्योहार खालसा पंथ की स्थापना का पर्व भी है। इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहब में 5 प्यारों को चुनकर खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने इन प्यारों को पहले अमृत पिलाया और फिर हिंदू धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस पर्व से अमृतसर की ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी है। आजादी से पहले 13 अप्रैल 1919 के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वहां दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण मीटिंग चल रही थी। अचानक ब्रिटिश सेना ने जनरल डायर ने सैनिकों के साथ वहां आकर पूरे बाग को घेर लिया और निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई गई जिससे हजारों लोग शहीद हो गए। बैसाखी के दिन शहीदों की श्रद्धा अंजलि भी अर्पित की जाती है। भाई बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है झनकार नामक प्रोग्राम में। प्रतिमा का साथ है, बहनों का कार्यक्रम आपके साथ में है। आज का सारा प्रोग्राम आधारित रहेगा बैसाखी पर्व पर। मैं उम्मीद करती हूँ ये एक घंटे का मन भाया प्रोग्राम आपका मन भाएगा और हमारे प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं प्लेनेट एफएम 104.6 की लहरों द्वारा। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम को इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर रुका रहेगा। अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिन के भीतर में जाकर हमारे प्रोग्राम को आप किसी भी समय सुन सकेंगे। आगे बढ़ते हैं चुने हुए बहुत ही प्यारे प्यारे वैशाखी के गीत से आपको आनंद प्रदान कराने की कोशिश करूंगी और अब आपको सुनवाते हैं आज का दूसरा गीत।
वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी रविवार की आसमाई की पूजा का विधान है। अधिकांश बाल बच्चे वाली औरतें ही ये व्रत करती हैं और इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके चार कौड़ियां रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पूर कर कलश स्थापित करना चाहिए और उसी के समीप में ही काष्ठ फलक पर आसमाई को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला जो मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है, भोग लगाते समय भी वह सूत्र पहनना चाहिए और पूजा की कौड़ियां रख ली जाती है। एक बहुत सुंदर कथा आसमाई की पूजा के साथ में जुड़ी हुई है। एक राजा के एक लौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था और माँ बाप को प्यार होने के कारण वह मनमानी कार्य करता था। वह प्रायः पन घंटों पर बैठकर पनिहारियों की जो गागरी है गुलेल से फोड़ डालता था और ये शिकायत राजा तक पहुंची। उन्होंने ये आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर ना जाए। सभी स्त्रियां मान गईं तथा वे पीतल और तांबे के घड़े में जल भरने लगी और इसके पश्चात उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरों से घड़ा फोड़ने की क्रिया पूर्व चालू कर दी। फिर शिकायती लोग राजा के पास गए। राजा बहुत क्रोधित हुए तथा अपने पुत्र को देश निकाला कि आज्ञा दे दी और आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा दौड़ाता वन को ओर चला गया और थोड़ा आगे बढ़ने पर चार बुढ़ियों से उसकी भेंट हुई तो अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया और उसने उतर कर उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा कि मुझे प्रणाम किया गया है, मगर नजदीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की तो वास्तविकता पूछती हैं तो राजकुमार तीन को इनकार कर चौथी बुढ़िया जो आसमाई थी को अपना किया और गया प्रणाम बताता गया और राजकुमार की बातों पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा चार कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुमसे कोई नहीं जीत सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो अथवा घूत विद्या। और देवी का जो आशीर्वाद है वो लेकर राजकुमार वहां से चल दिया तो देश देशांतर का भ्रमण करते हुए वह एक राजधानी में पहुंच गया। वहां का जो राजा था वो जुआ खेलने में अति तेज था और प्रजा जन भी इस विद्या से काफी परिचित थे। तो राजकुमार पहले तो घाट पर एक धोबी को देवी द्वारा दिए गए कौड़ियों के बल से जुए में हराता है, जो कि राज दरबार में जाकर इसकी प्रशंसा करता है। ये सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उद्यत होता है तथा सब राजपाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह इस घूत विजेता राजकुमार के साथ कर देता है और इस प्रकार दोनों महलों का जो सुख है भोगने लगते हैं और राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी थी और महल में सास ननद के अभाव में भी गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरण को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद देने लगी। तो एक दिन अकस्मात राजकुमार ने ये सब देखा लिया और पूछा कि ये तुम क्या करती हो। राजकुमारी ने बताया कि स्त्रियों चित धर्म का पालन करती हूँ, यदि मैं आपके घर में होती तो मुझे प्रत्यक्ष सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतीक स्वरूप ही धर्म का पालन कर रही हूँ। तो रानी की ऐसी उत्कट इच्छा जानकर राजकुमार सेना सहित
घर जाने को तैयार हो गया। जब नई नवेली के साथ राजकुमार पिता की राजधानी को पहुंचता है तो वियोग के कारण निरंतर रोने से अपने माँ बाप को नेत्र विहीन पाता है और पुत्र का समाचार पाते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कुल मर्यादा के अनुसार वर वधु को महल में प्रवेश करते ही बहू सास के चरण छूती है और सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद ही एक सुंदर बालक का जन्म होता है और इसी बीच माँ बाप को उमर ज्योति मिलती है और आसमाई की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। वैशाखी पूर्णिमा स्नान लाभ की दृष्टि से अंतिम पर्व है। इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदी से स्नान करना चाहिए और दान के लिए मिष्ठान सत्तू वस्त्र आदि का विशेष महत्व है। ये सत्य विनायक पूर्णिमा भी मानी जाती है। श्री कृष्ण के बचपन के सहपाठी दरिद्र ब्राह्मण सुदामा जब द्वारिका उनसे मिलने गए तो उन्होंने सत्य विनायक व्रत का उनको विधान बताया और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की सब दरिद्रता जाती रही तथा वह अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो गए। आइए आपको एक और बहुत ही प्यारा वैशाखी गीत सुनाने जा रही हूँ।
धर्म दे नाते खुलिया हट्टिया असली रब भी बैठा सोचे केड़ा ए डर मेरा ओए लोको आई वसाखी बिंदा होके नवास मेरा ओए लोको आई वसाखी बिंदा होके नवास मेरा ओए लोको आई बिंदा होके नवास मेरा ओए लोको आई वसाखी बिंदा होके नवास मेरा ओए लोको आई वसाखी छुट्टियां ते आजा दिल दा लगी मैरिया बीच बाहर ते कणिका पकी गईया ते कणिका पकी गईया जिन्हें छुट्टियां ते आजा दिल दा किन्हें छुट्टियां ते आजा दिल दा किले खलते दांत पे आखड़ किले
किने छुट्टियां ते आजा दिल दा, किने छुट्टियां ते आजा दिल दा, लगी मेरिया विच बहार, ते कणका पकी गया, ते कणका पकी गया, ते कणका पकी गया, ते कणका पकी गया। वैशाखी एक ऋतु और फसलों से संबंध रखने वाला प्रमुख त्योहार है। कभी ये त्योहार घुर पेशावर से लेकर दिल्ली तक सर्वत्र बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता था। तब अविभाजित भारत में पेशावर से लेकर दिल्ली तक का सारा इलाका पंजाब ही कहलाया करता था। बाद में भारत का विभाजन हो जाने पर पंजाब का एक पश्चिमी भाग यानी रवि नदी के उस पार तक का भाग अलग हो गया और पश्चिमी या पाकिस्तानी पंजाब कहलाने लगा। बाद में भारत स्थित पूर्वी पंजाब राज्य का और विभाजन हुआ और इसके तीन टुकड़े बन गए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा प्रदेश। पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान में तो पता नहीं कि अब वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है कि नहीं, पर हिमाचल प्रदेश में तो स्यात नहीं ही मनाया जाता। हाँ, हरियाणा, पूर्वी पंजाब में तो आज भी ये दिन एक मौसमी और फसली त्यौहार के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा कि नाम से ही संकेत मिल जाता है, वैशाखी का त्यौहार वैशाख मास की संक्रांति अर्थात पहली वैशाख को मनाया जाता है और इस तारीख के आने तक खेतों खलिहानों में गेहूं की जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती। उसे देखकर सारा साल मेहनत करके खेती करने वाले किसान का मन प्रसन्नता से झूम उठता और स्वाभाविक ही कहा जाएगा। प्रसन्नता के उस आवेग में किसान का कुछ गुनगुनाते गाते हुए जो मस्ती से झूम उठना और फिर नाचने लगना भी अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया ही वास्तव में वैशाखी को एक त्योहार आनंद वाला पर्व का स्वरूप प्रदान कर दिया करती है। समूचे उत्तर भारत और विशेषकर पंजाब हरियाणा में वैशाख मास की सांस्कृतिक या पहली तारीख का एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी स्वीकार किया जाता है। यहाँ प्रत्येक देशी मास की पहली तारीख पवित्र मानकर विशेष तरह की पूजा अर्चना और पकवान या मिष्ठान खाने की परंपरा रही है और आज भी विद्यमान है। फिर इधर के लोग देशी हिसाब से नए वर्ष या संवत्सर का आरंभ भी प्रायः पहले वैशाख से ही माना करते हैं और इस दृष्टि से भी वैशाखी के त्योहार का महत्व बढ़ जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए ही प्रभात काल अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र सरोवरों और नदियों में स्नान करने जाते हैं। स्नान के बाद विशेष भजन पूजन करके गरीबों और भिक्षुकों आदि को यथा सामर्थ्य दान देते या भोजन आदि करवाया करते हैं, क्योंकि ये सब व्यक्ति के स्तर पर किया जा कर भी एक ही स्थान पर किया जाता है और इस कारण स्वतः ही सामूहिक कार्य हो जाया करता है। ऐसे स्थानों यानी सरोवरों, नदी तटों और तीर्थ स्थलों पर स्वतः ही एक मेला सा भर जाया करता है और इस मेले से जो एक लाभ कमाने के लिए तरह तरह के दुकानदारों का वहां आ जुटना परम स्वाभाविक ही कहा जाएगा।
वैशाखी क्योंकि फसल पककर त्योहार होने का एक त्योहार भी है और इस कारण अविभाजित पंजाब में हर जाति धर्म और वर्ग के किसान इस दिन बिना किसी भेदभाव के खुशी से झूम झूम कर नाचा और गाया करते थे। खेतों और खलिहानों में तो भांगड़ा और धमाल जैसे नृत्यों के आयोजन हुआ ही करते थे और मेलों पर भी ढोल की जो धमक है लोग पागलपन की सीमा तक पहुंच और नाचना उठ करते थे। और आज भी पूर्व पंजाब और हरियाणा में जो मात्र इसी कारण वैशाखी पर्व मनाने और भांगड़ा धमाल नाचने की परंपरा जीवित है। वैशाखी का पर्व मनाने के लिए विशेष स्थानों पर मेले आयोजित करने की परंपरा आज भी जीवित है और इन मेले में लोग रंग बिरंगे जो पुश्तैनी पर नए कपड़े पहनकर परंपरागत ढंग से ही गाते नाचते हुए भाग लेने आया करते हैं और बच्चे और बूढ़े युवक और युवतियां सभी का उत्साह दर्शनीय हुआ करता है और तरह तरह के दुकानदार तमाशा दिखाने करने वाले जो लोग हैं दो चार दिन पहले ही मेला स्थलों पर पहुंचकर अपना अपना अड्डा जो है वो जमा लेते हैं और सुबह सूर्योदय के साथ ही दर्शकों का आना भी आरंभ हो जाया करता है। और बैलगाड़ियां की जगह पर अब तो ट्रैक्टर और ट्रेला में भरकर आने की प्रथा सर्वत्र देखी जा सकती है। पैदल चलकर आने वाले की संख्या भी कम नहीं होती है और मेला स्थल पर जो ये दंगल कुश्ती है और कबड्डी तथा अन्य प्रकार के खेले तमाशे भी प्रतियोगिताएं तो हुआ ही करती है और भांगड़ा धमाल और जो बोलियां हैं सुनाने डालने की जो गीताएं वो भी होती है। विजेताओं ही को उचित पुरस्कार प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करने की परंपरा भी देखी जा सकती है और ये सब देखते और करते हुए लोग मिठाइयां फल आदि खाते पीते तो हैं ही और वहां स्थित दुकानों से अपनी जरूरत की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी खरीद कर लाते हैं और ढोल की जो आवाज है सुबह से शाम तक अनवरत गूंजती रहकर उत्साह उमंग का संचार करती रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यूं तो पहली वैशाख का यह दिन सारे उत्तर भारत में मनाया जाता है पर जिसे वैशाखी का त्योहार मनाना कहते हैं उस दृष्टि से ये पंजाब और हरियाणा में ही मुख्य रूप से मनाया जाता है। उत्साह उमंग और सामूहिकता परिश्रम और उससे प्राप्त होने वाला मीठा फल फसल के रूप में यही वैशाखी का संदेश और सच्चा स्वरूप भी है और हर दृष्टि से सरलता से स्वाभाविकता और निश्चलता वैशाखी की ही मान्य विशेषताएं हैं। ऊपर मेरा नाम लिख
सुन तो के हैं बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई।
वैशाखी के दिन आज भी जलियांवाला बाग में अमृतसर में सभा का आयोजन होता है और माथे पर सफेद पट्टी बांधकर सब मिलकर गाते हैं, सर बांधे कफनियां रे शहीदों की टोली निकली। और 1997 में शहीदों को श्रद्धा अंजलि अर्पित करने के लिए जलियांवाला बाग में क्वीन एलिजाबेथ गई थी। लाशां गिणदे वैरी सी हब जाना अजे तक भी सिंगां दा ना सुन के दिल्ली सने लाहौर है कंब जाना महाबली
सजनी मेरी सजनी I'm
जी मौज में आ गया पहन के वर्दी खाकी डाल बांगड़ा नच मेरे साथी छोड़ के ये बैसाखी जट्टा आई बैसाखी जट्टा आई बैसाखी जट्टा आई बैसाखी लो जी फौजी मौज में आ गया पहन के वर्दी खाकी डाल बांगड़ा नच मेरे साथी छोड़ के ये बैसाखी जट्टा आई बैसाखी जट्टा आई बैसाखी जट्टा आई बैसाखी कहते हैं ये घायल हाथ ये टूटी टांगे हम दे सकते हैं जाने हम क्या लोगों से मांगे हम क्यों लोगों से मांगे जो औरों पे भर सकते हैं वो अपनी मदद कर सकते हैं तुम हम पे मत एहसान करो ये धन दौलत ना दान करो हम तो नौकर सरकार के हैं बस भूखे आपके प्यार के हैं हमें कोई नहीं हम आशिक हैं भी। और भाई बहनों ये हमारा आज का आखिरी गीत था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वैशाखी पर्व पर जो प्रोग्राम हमने आज आप सभी की खिदमत में पेश किया है आपका मन भाया है। मेरा और आपका साथ यहीं पर छूट रहा है। आने वाले शुक्रवार को एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी वैशाखी और खुश रहिए। नमस्ते सत श्री अकाल आदाब और किंचो। कबड्डी 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 जब गुजरता मैं बाजारों से सब झांकते थे चौबारों से एक कुड़ी इशारे कर दी सी वो मेरी चाल पे मर दी सी वो रह गई बस आहें भरती पिंड छोड़ के हम हो गए भरती दिखलाए जोर जवानी का शौक हमें कुर्बानी का हम जिए इन्हीं उम्मीदों में हो अपना नाम शहीदों में जब लाम लगी आया मौका दुश्मन ने दिया बड़ा धोखा दिल के बदले पांव पे गोली मारी की चालाकी है बसाखी हो जट्टा आई बसाखी हो जट्टा आई बसाखी।